योगी आदित्यनाथ एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं और हम लोगों के आइडियल भी हैं, और अयोध्या का टूरिज्म काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है उनके वजह से। यहाँ एक्चुअली पहले तो 751 का था, 751,000, लेकिन बाद में ये आदेश मिला कि जो है 900,000 दिए किए जाएं, तो अभी जो हमारी संख्या मतलब थी 751 की, उसको बढ़ा के हम लोगों ने 900,000 किया है। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आपकी फर्स्ट बार आने का चांस मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं किया था, योगी जी कर रहे हैं ऐसा। हाँ, इन्हीं के सरकार में ऐसा हो रहा है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, सबके लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं रहे हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, अयोध्या के लिए कर रहे हैं, पूरे यूपी के लिए कर रहे हैं। योगी जी के लिए यही कहेंगे कि हाँ उनकी वजह से इतना कुछ हो रहा है, बच्चे एंजॉयमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि उनकी वजह से ये सब हो रहा है। अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पे इतनी साफ सफाई हो गई है। देखिए आप भी आती होंगी पहले, अयोध्या तो इतना साफ सुथरा नहीं दिखता होगा, लेकिन अब आइए आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे देखने में। धन्यवाद योगी जी के लिए, हम लोग को यहाँ पे आने का अवसर मिला, हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। मेरा पहले से ही मन था यहाँ पर आने का, इसलिए आज पहली बार अवसर मिला है ऐसा हम लोगों को आने का। नरेंद्र मोदी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से मैं आपको पूरा यहाँ पर अयोध्या नगरी दिखा रही थी, जिस तरीके से राम जन्मभूमि सजाया हुआ है, दीपोत्सव का महोत्सव यहाँ पर हो रहा है, रामलला आएंगे, दिवाली मनाई जाएगी, पूरा ग्रैंड तरीके से सजावट हो रही है, काफ़ी दूर दूर से छात्र छात्राएँ आए हुए हैं, भव्य तरीके से इसको सजाया जा रहा है, बहुत ही सुंदर ये लगने वाला है। रात में आप देखेंगे तो काफ़ी सारे लाइट्स यहाँ पर जगमगा ते हुए आपको नजर आएंगे। 3 नवंबर को हम यहाँ पर फिर से आएंगे और आपको दिखाएंगे, मोदी जी भी आएंगे यहाँ पर, सब चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। जो 900,000 दिए यहाँ बता रहे हैं कि 900,000 दियों से पूरा भव्य तरीके से अयोध्या को सजाया जाएगा, तो वो हम भी हम आपको दिखाएंगे आकर, और दिखाएंगे कितने सुंदर तरीके से इस अयोध्या को सजाया गया है।
हूँ आपके साथ मनीषा डिंडोरिया, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस वक्त मैं राम नगरी अयोध्या में हूँ। दीपावली आने वाली है, दीपोत्सव का महोत्सव है। जैसे कि त्रेता युग में भगवान श्री राम का स्वागत भव्य तरीके से अयोध्या राम नगरी में किया गया था, ऐसे ही कलयुग में आज राम का जो स्वागत है, जो दीपावली का उत्सव है, वो ही भव्य तरीके से मनाया जा रहा है यहाँ पर अयोध्या में। देख सकते हैं कि 14 वर्ष का वनवास काट कर जब श्री राम अयोध्या वापस आए थे तो उनके स्वागत में पूरी अयोध्या जगमगा उठी थी। हर अयोध्यावासी ने दिए जलाए थे और भगवान श्री राम का, सीता माता का और लक्ष्मण जी का स्वागत भव्य तरीके से किया था। तो अब उसी तरीके से देखिए, लगातार 5 साल से जब से बीजेपी सरकार है उत्तर प्रदेश में, लगातार 5 साल से यहाँ पर दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया जाता है अयोध्या राम नगरी में। इससे पहले अयोध्या में कभी अयोध्या इस तरीके से नहीं सजाई गई थी। इन 5 वर्षों में जो दीपोत्सव मनाया जाता है बीजेपी सरकार की तरफ से, उसमें जो दीपावली के उत्सव पर दीपोत्सव जो त्यौहार होता है, जो दिए जलाए जाते हैं अयोध्या में, वो एक बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है। इस बार मैं आपको बता दूं, पिछले साल का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है, क्योंकि पिछले साल 5.5 लाख दिए जलाए गए थे। इस बार यहाँ पर 12 लाख तक दिए जलाए जाएंगे। देखिए, अयोध्या राम की पैड़ी है यहाँ पर, 9 लाख दिए जलाए जाएंगे। जो आप ये स्थान देख रहे हैं, ये पूरा दियों से भर दिया जाएगा। 90,000 गाँव से, अलग अलग जगहों से ये दिए मंगाए गए हैं। लगभग 9 लाख बताया जा रहा है, 9 लाख दिए यहाँ लगाए जाएंगे और जो 3 लाख दिए हैं वो पूरे शहर में जलाए जाएंगे। तो लगभग 12 लाख दियों से ये पूरा अयोध्या उज्ज्वलित होगा, पूरा अयोध्या चमकेगा। भगवान श्री राम का स्वागत होगा यहाँ पर, दीपावली मनाई जाएगी। देख सकते हैं यहाँ तैयारियाँ शुरू हो गई है। तो हम लोग प्यारा हिंदुस्तान की टीम इस वक्त अयोध्या में है और आप लोगों को ये दिखाने आए हैं कि किस तरीके से अयोध्या में, जो हर साल दीपोत्सव मनाया जाता है, भव्य तरीके से मनाया जाता है, आज यहाँ पर क्या तैयारियाँ हैं और इस साल क्या खास है, इस साल योगी सरकार और कितने खास तरीके से ये दीपोत्सव मनाएंगी। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर है, देखिए ये बच्चियाँ हैं और महिलाएं हैं और यहाँ पर बहुत सारे पुरुष भी हैं। सब लोग दिए लगाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों से बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि कहाँ कहाँ से ये दिए लाए हैं और किस तरीके से सजाने का ये काम चल रहा है। क्या नाम है आपका? गरिमा सिंह। गरिमा, आप ये दिए लगा रहे हैं, कहाँ कहाँ से लाए हैं दिए? बताया जा रहा है 90,000 गाँव से। हाँ, काफ़ी जगह से, क्योंकि एक जगह से कलेक्ट कर पाना इतना आसान नहीं है, इतनी सारी संख्या में दियों को, और वर्कर्स बहुत सारे हैं काम करने वाले, तो छोटे छोटे वर्कर्स जो हैं उनको भी जगह मिली है काम करने के लिए। अच्छा, कुछ तो भी बनाने छोटे पैमाने पर ये दिए बनाते हैं, उन लोगों से भी आपने दिए मंगाए? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि रोजगार हो, उनको भी जो है इसमें कुछ ना कुछ लाभ मिल सके, इसलिए बहुत दूर से जो है मंगाया गया है। कितने लाख दिए यहाँ पर लगाए जाए? यहाँ एक्चुअली पहले तो 751 का था, 751,000, लेकिन बाद में ये आदेश मिला कि जो है 9 लाख दिए किए जाएं, तो अभी जो हमारी संख्या मतलब थी 751 की, उसको बढ़ा के हम लोगों ने 9 लाख किया है। 9 लाख दिए। 12 लाख का आंकड़ा मैं सुन रही थी कि 3 लाख दिए पूरे शहर में लगेंगे, 9 लाख यहाँ लगाए जाएंगे। अच्छा, हर साल ये भव्य था, क्योंकि 5 साल से हम लगातार देख रहे हैं जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले 5 साल से पहले की अगर मैं बात करूँ तो कभी इस तरीके से आयोजन हुआ, तैयारियाँ हुई थी? इतने भव्य मतलब इतने बड़े पैमाने पे तो आई थिंक नहीं हुई थी, मतलब हम लोग बचपन से यहाँ पे हैं, इतने बड़े पैमाने पे तो नहीं हुई थी, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ छोटे मोटे कार्यक्रम या वैसे भी होते रहते हैं, लेकिन इन 5 सालों में जो है बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ बदला हुआ रूप अयोध्या का। जी, कहा जाता है कि 14 वर्ष का वनवास काट के श्री राम आए थे, तो श्री राम की जन्मभूमि पर जब से बीजेपी सरकार आई है तब से ये भव्य तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी 5 सालों से जो है काफ़ी भव्य, हम लोग ही नहीं पूरी दुनिया में, आई थिंक पूरे वर्ल्ड में जो है देखने को सबको मिल रहा है ये। योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आए थे, ये जो रामायण कॉन्क्लेव का जो समापन क्रिया थी उसका यहाँ पर शामिल होने के लिए, तो क्या योगी जी ने बताया और क्या आप लोगों ने उनसे मतलब किया? मतलब उन्होंने रामायण के बारे में भी बहुत कुछ बताया, अच्छा, मतलब उनके पास भी ज्ञान है, इतने बड़े पोस्ट पे हैं तो उनके पास ज्ञान होना तो अच्छी बात है, और राम जी के बारे में, उनके परिवार, उनके बचपन के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया, और बहुत सारी मतलब जो भी यहाँ सब कुछ हो रहा है सब बहुत बढ़िया है। और भी तैयारियाँ हो रही हैं क्या, जो 11 झांकियाँ हैं वो सब? जी जी, 11 झांकियाँ हैं, लाइट शो हैं, और बहुत मतलब बच्चों के द्वारा और बड़ों के द्वारा भी बहुत कुछ तैयार किया गया है, जो शायद आज शाम और कल शाम को भी हमको जो है
3 को और 4 को भी देखने को मिलेगा, लाइट शो वगैरह 4 को भी है हमारे यहाँ। 5 नवंबर तक रहेगा दीपोत्सव? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 5 नवंबर तक यहाँ उत्साह मतलब चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहेगा 4 बार। बिल्कुल बिल्कुल, अयोध्या के लोग और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे 5 नवंबर तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। भव्य तरीके से ये बनाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए बच्चियाँ भी हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति, आप ये तैयारियां कर रही हैं, श्री राम आए थे 14 वर्ष वनवास काट कर, अब ये जो दीपोत्सव मनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आपकी फर्स्ट बार आने का चांस मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट एक्सपीरियंस है? हाँ फर्स्ट है। यहाँ पर आप ये सजावट का काम कर रही हैं? हाँ, अभी दिए भी रख रही थी, अभी रखना है। हाँ, कहाँ से लाए गए हैं ये दिए? ये दिए तो हाँ काफ़ी यहाँ से भी मंगवाए गए हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से मंगवाए गए हैं, यहाँ से तो कम ही है शायद। तब भी यहाँ के लोगों को कम दिए गए, पर वो लोग को वो भी था कि यहाँ हम लोगों को कम दिया गया है, और फिर बाहर से ज़्यादा मंगवाए गए हैं। आप मुझे ये बताइए, योगी सरकार में अयोध्या में इतना भव्य तरीके से ये जो दीपोत्सव का आयोजन होता है, इससे पहले कभी किसी सरकार में आपने देखा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं किया था, ये योगी जी कर रहे हैं ऐसा। हाँ, इन्हीं के सरकार में ऐसा हो रहा है। कहाँ से हैं आप? मैं तो गुसाईगंज से हूँ, बेसौरा से, एक ग्राम से। यहाँ डॉक्टर आरएमएल से कर रही हूँ, योग डिपार्टमेंट से एमएससी कर रही हूँ। हाँ, स्पेशली आप दीपोत्सव के लिए? हाँ, दीपोत्सव के लिए आई हूँ। 3 दिन आना है यहाँ पे? 3 दिन आना? हाँ, 3 दिन आना है। अभी आई हैं, 3 दिन और लगातार यहाँ पर बनी रहेंगी। ये सजावट का जो काम है ये लोग बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर धूप भी काफ़ी मैं देख सकती हूँ, लेकिन ये लोग फिर भी पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से यहाँ दिए लगाने का काम कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? ज्योति। आप ये जो सजावट का काम कर रही हैं, दिए लगा रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? फर्स्ट टाइम लग रहा है? हाँ नहीं, सेकेंड टाइम है मेरा। हाँ, ये 5 साल से लगातार इस तरीके का बनाया जा रहा है? जी जी जी। इससे पहले कभी आपने देखा कि अयोध्या में इतना भव्य तरीके से आयोजन किया गया? नहीं, इससे पहले नहीं हुआ था। क्या कहेंगे योगी सरकार के लिए, यूपी में किस तरीके का काम कर रही है? बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अच्छा कार्य कर रही है? हाँ। चलिए, देखिए इनका कहना है कि अच्छा कार्य कर रही है योगी सरकार। देखिए जिनसे भी हमने बात की है, सबका लगातार यही कहना है कि इन 5 सालों में जितने भव्य तरीके से, जितने बड़े पैमाने पर ये जो दीपोत्सव का त्यौहार है वो मनाया जा रहा है अयोध्या में, इससे पहले की अगर हम बात करें तो इससे पहले कभी ये नज़ारा देखने को नहीं मिला। होते थे प्रोग्राम, छोटे मोटे प्रोग्राम्स हुआ करते थे, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर योगी सरकार ने राम जन्मभूमि अयोध्या को निखारा है, और जिस तरीके से ये भव्य तरीके से आयोजन यहाँ पर दीपावली महोत्सव और दीपोत्सव का हुआ करता है, 5 सालों से ही इनको देखने को मिल रहा है, इससे पहले कभी किसी सरकार ने आके संज्ञान नहीं लिया। आपको बता दें कि बहुत से विपक्ष के लोग हैं जो अभी राम मंदिर जब बन रहा है तो उस पर कई सारी टिप्पणियां करने वाले लोग आज बोल रहे हैं कि राम हमारा है। देखिए हम आपको पूरी तैयारियां यहां पर दिखा रहे हैं। कल यहां पर योगी आदित्यनाथ जी आए थे, ये जो रामायण कॉन्क्लेव समापन का आयोजन यहां हुआ था उसमें सम्मिलित होने के लिए योगी आदित्यनाथ जी आए थे। आपको बता दें कि काबुल से एक छोटी बच्ची ने उनको काबुल नदी का पानी दिया था यहाँ पर चढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसी को यहाँ पर भेंट करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी आए थे। देखिए इतना दूर से वो पानी आया राम भूमि के लिए, और जिस तरीके से राम मंदिर की भी तैयारियां हो रही है, बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से इस मुद्दे को आगे लेकर आया है, विपक्ष पूरा अब बोल रहा है कि राम हमारे हैं, क्योंकि पहले जब मंदिर नहीं बना था तो कोई भी सामने नहीं आ रहा था, कोई भी आगे नहीं आ रहा था कि हमें राम मंदिर की एक नींव भी रखनी है। और इसी पर अमित शाह जी ने भी बोला था कि जो लोग राम को अपना मानते ही नहीं थे, आज वो राम को अपना बता रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से तैयारियाँ पूरी चल रही है, ये जो आप देख रहे हैं वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये लाइटों से सजा होगा, पूरा यहाँ पर एक LED लाइट्स लगाई जाएंगी, अलग अलग तरीके की लाइट्स लगाई जाएंगी, जिससे कि ये जो भव्य आयोजन है वो और सुंदर नज़र आएगा आपको। अभी दिन है इसलिए हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन रात में जब हम यहाँ पर आएंगे तो रात में आपको दिखाएंगे किस तरीके से सुंदर सुंदर लाइट्स यहाँ पर लगाई गई है, अलग अलग 3D स्टाइल में, और उसको और सुंदर बनाने के लिए देखिए बहुत सारे यहाँ पर स्पीकर दिख रहे होंगे आपको, काफ़ी ज़्यादा लाइट्स हैं, पानी आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं काफ़ी सारे जो दिए सजाने का काम कर रहे हैं, वो कह रही हैं मेरे से बात कीजिए, तो मैं सबसे पहले आप ही से बात करूँगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलका दुबे है। कहाँ से हैं? बस्ती से। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं? नहां, NCC की। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पे इसको डेकोरेट कर रही हूँ, 3 को। हाँ, 3 को यहाँ पे आएंगे नरेंद्र मोदी जी हमारे,
तो उनके लिए हम लोग डेकोरेट कर रहे हैं, हमारे राम जी खुश हो जाएं। हाँ, राम जी को खुश करने के लिए सब किया। हाँ, तो आप मुझे बताइए कितनी संख्या में आप दिए लगा रहे हैं? 14। हाँ, इंक्रीज 14 का लाइनिंग बना रहे हैं उसमें अंदर। हाँ, उसके अंदर और सारे ऐड कर रहे हैं हम, एक एक लाइन बना के। हाँ, यस मैम। पूरा भव्य तरीके से आप ही लोग सजा रहे हैं? नहीं, साहब बहुत सारे बच्चे हैं एक्चुअली, जैसे हाँ सारे स्टूडेंट्स ही हैं। यस मैम। अच्छा, ये जो भव्य तरीके से दीपोत्सव मनाया जाता है, आपने पहले कभी देखा यहाँ पर क्या अयोध्या में इस तरीके से? हाँ, बहुत बार मनाया जाता है ऐसे, लेकिन इस बार कुछ अलग ही हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, हमें यहाँ पे आए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस बार क्या अलग है? यहाँ पे बहुत सारा सब कुछ अलग है, इतनी सारी डेकोरेट हुई है। और इस बार सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं यहाँ खुद ऑलरेडी आई हूँ। हाँ, फर्स्ट बार है मेरा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है। पहली बार आप शामिल हो रहे हैं? पहली बार मैं यहाँ पे शामिल हो रही हूँ। हाँ, ठीक है, थैंक यू। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुष्मिता मिश्रा है। ये बताइए, आप स्टूडेंट हैं? हाँ। कौन से स्टूडेंट? मैं साकेत कॉलेज में पढ़ती हूँ, कॉलेज स्टूडेंट। यहाँ पर आप स्पेशली दीपोत्सव? हाँ, स्पेशली दीपोत्सव। नहीं, इस बार मेरा सेकंड टाइम है। Yes. पिछली बार में और अभी में क्या अंतर है? ये ज्यादा बड़ा है या पिछली बार? ये ज्यादा बड़ा है। हाँ, ये ज्यादा बड़ा है। इस बार क्या नया लग रहा है? इस बार जैसे पिछली बार था तो पिछली बार इतनी ज्यादा डेकोरेशन नहीं थी, इस बार दिए भी ज्यादा है, पिछली बार दिए भी कम थे और लोग भी ज्यादा। इस बार सब लोग मतलब अलग ही है, सबका एक्साइटमेंट है। हाँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आप? बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा। योगी जी कल आए थे, क्या कहेंगे योगी जी के लिए जिस तरीके से यूपी में काम हो रहा है, अयोध्या को लगातार 5 सालों से सजाया जा रहा है भव्य तरीके से, क्या कहेंगी योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो सबके लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं रहे हैं। वो स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, अयोध्या के लिए कर रहे हैं, पूरे यूपी के लिए कर रहे हैं। तो आपको लगता है आने वाले चुनाव में योगी जी फिर से बन पाएंगे? हाँ, उनके वर्क से तो लगता है कि वो बनेंगे और बनना भी चाहिए। बनना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बनना चाहिए। अच्छा, स्टूडेंट्स चाहते हैं कि स्टूडेंट? हाँ, चाहते हैं स्टूडेंट कि वो बने। काम हो रहा है? हाँ, काम हो रहा है। आपका क्या नाम है? प्रिया श्रीवास्तव। आप भी स्टूडेंट? यस मैम। अच्छा, तो यहाँ पर कैसे क्या कर रहे हैं? मैम, हम लोग यहाँ पर दियास को डेकोरेट कर रहे हैं दीपोत्सव के लिए, जो कि 3rd November को होने वाला है। और योगी आदित्यनाथ जी जैसे बोले कि स्टूडेंट्स को काम करना चाहिए, मतलब हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं ताकि दीपोत्सव अच्छा हो। अच्छा, तो योगी आदित्यनाथ जी के लिए आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने आपको? यस सर। हम क्या कहेंगे, कैसे मुख्यमंत्री हैं योगी जी? योगी आदित्यनाथ एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं और हम लोगों के आइडियल भी हैं, और अयोध्या का टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है उनके वजह से, और इससे मतलब वर्ल्ड में भी एक मैसेज जा रहा है, हिंदुइज्म का भी जा रहा है, और प्लस राम जी का एक संदेश जा रहा है कि हम लोग सत्य के राह पे चलना चाहिए, और दीपोत्सव जो है वो एक बहुत बड़ा त्यौहार माना जा रहा है, तो इसको पूरे वर्ल्ड में एक खुशी के तौर पर। यस मैम, ठीक है। ये देखिए, ये भी कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, ये दिए लगाने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? वर्तिका गुप्ता। वर्तिका, स्टूडेंट हैं आप भी? जी। अच्छा, यहाँ पर ये आप डेकोरेशन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। एक्साइटमेंट में देख सकती हूँ आपकी स्माइल में, एक्साइटमेंट है काफी। यस मैम, इज सो एक्साइटेड। इतना धूप है, धूप नहीं पता चल रही है? बिल्कुल नहीं मैम, इतना एंजॉयमेंट लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है वो करने में कि बिल्कुल भी धूप नहीं लग रही है। सब भूल जाओ, बस राम जी के लिए सजाना है। और क्या, अवध में राम आएंगे तो उन्हीं के लिए सजाना है। खुशी खुशी का माहौल है ना? जी, बहुत खुशी का माहौल है। योगी जी के लिए आप क्या कहेंगे, लगातार 5 सालों से ये बड़ा दीपोत्सव का त्योहार यहाँ पर बन रहा है अयोध्या में, क्या कहेंगे योगी जी? योगी जी के लिए यही कहेंगे कि हाँ, उनकी वजह से इतना कुछ हो रहा है, बच्चे एंजॉयमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि उनकी वजह से ये सब हो रहा है, हिंदुइज्म को आगे ले जाने का काम हो रहा है। जी, रिलीजन को आगे ले जाने का काम हो रहा है, हिंदुइज्म को आगे ले जाने, बच्चों को सिखाने का कि हाँ ये भी एक त्यौहार है जो इस तरह से मनाया जा सकता है, घर में भी और यहाँ पे भी। हर स्टूडेंट्स ज्यादा ध्यान नहीं देते रिलीजन? जी, स्टूडेंट बस अपने मोबाइल्स पे, लैपटॉप पे, इन सब पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ये रिलीजन है, इसको बताया जा रहा है कि हाँ ये भी मनाया जाता है, यहाँ तक लोग घर में भी अपना उतना काम नहीं करते हैं जितना यहाँ पे कर रहे हैं इस समय। केवल एक मैसेज देने का काम कर रही हूँ। जी, जो भी है घर में करे, यहाँ पे करे, घर में साफ सफाई सब कुछ, मम्मी पापा के साथ हेल्प कराना सब कुछ करे, भागे नहीं इससे, मोबाइल टीवी इन सब को दूर रखें और ये सब ज़्यादा करें, इससे आपका माइंड डेवलपमेंट कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा ये सब करने से। धूमधाम से मनाइए दिवाली। थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम? मौसमी शुक्ला। मौसमी जी, आप भी यहाँ पर डेकोरेशन करने आई हैं? यस मैम। अच्छा,
कर लिया आपने? हाँ, वहाँ हम लोग का घाट है। अच्छा, वहाँ पर आपने किया, कैसा लग रहा है, कितनी एक्साइटमेंट है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है, पहली बार कर रही हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो कितने दिए आपने लगाए? अभी तो हम लोग वही डेकोरेट बना ही रहे हैं, उसको भी दिए नहीं लगाए हमने। अभी दिया नहीं लगाया, अभी डेकोरेशन कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जिस तरीके से भव्य तरीके से आयोजन हो रहा है, काफ़ी स्टूडेंट्स मैं देख रही हूँ यहाँ पर, आजकल के बच्चे इतना ध्यान देते नहीं है फेस्टिवल्स पर अपने, क्या कहेंगी उन बच्चों को आप अपना अनुभव? आना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए और मतलब इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, अच्छा भी लगता है। तो दीपावली को धूमधाम से मनाना, बिल्कुल मनाना चाहिए। योगी जी के लिए आप क्या कहेंगे? यूपी के मुख्यमंत्री हैं, कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पे इतनी साफ़ सफाई हो गई है। देखिए आप भी आती होंगी, पहले अयोध्या तो इतना साफ़ सुथरा नहीं दिखता होगा, लेकिन अब आइए आपको अच्छा लगेगा यहाँ पर देखने में। अभी सफाई ज़्यादा है, सफाई ज़्यादा है और अच्छा लगता है आप देखने में सब कुछ। तो देखिए कह रही हैं सफाई ज़्यादा है अयोध्या, पहले के हिसाब से और अभी के हिसाब से अनुभव इन्होंने किया है, सफाई इनको ज़्यादा लगी है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, तो डेवलपमेंट हो रहा है। आपका क्या नाम है? पूर्णिमा, नाम पूर्णिमा निषाद है मेरा नाम, और ये मेरी फ्रेंड है। मेरा नाम कीर्ति, मतलब दोनों साथ में बोलेंगी। कीर्ति है मेरे, सोनकर। कीर्ति पहले आप बताइए, क्या आपने डेकोरेशन कर लिया? हाँ। क्या सजाया आपने? ये दिया सजाए हम लोग, अभी दिया लगाया। हाँ, कितने दिए लगा चुकी? अभी 15 दिया लगाए हम लोग। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम आई हैं यहाँ? फर्स्ट टाइम आए हम लोग। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, योगी जी के लिए कुछ कहेंगी? धन्यवाद योगी जी के लिए, हम लोग को यहाँ पे आने का अवसर मिला। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम लोग बस्ती से, सिकंदरपुर से। स्टूडेंट हैं? हाँ। अच्छा, बी ए फर्स्ट ईयर हम लोग का है, बी ए फर्स्ट ईयर। बी ए फर्स्ट ईयर, अच्छा आप कहाँ से? हम भी वहीं पर से हैं, मतलब बस्ती साइड से, सिकंदरपुर से। और मतलब हम लोग का फर्स्ट ईयर है अब की बार बी ए, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। मेरा पहले से ही मन था यहाँ पर आने का, इसलिए आज पहली बार अवसर मिला है ऐसा हम लोगों को आने का। नरेंद्र मोदी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, पहले आपने सुना होगा यहाँ पर दीपोत्सव मनाया जाता है, कभी लगा कि हाँ हमें भी जाना है? हाँ, बहुत बार सोचे शायद जाने का मिले, चांस मिले, और अक्सर ये चांस मिल ही गया। हाँ। अच्छा, तो योगी जी के लिए क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छे हैं, योगी जी की वजह से आज यहाँ पर आना मिला, आने को मिला हम लोगों को, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया योगी जी। ठीक है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं योगी जी का ये। देखिए भीड़ देखिए आप कितनी है यहाँ पर, सारी छात्राएं हैं लगातार ये जो काम कर रही हैं, देखिए दिए सजाने का। ये 3 नवंबर को उज्ज्वलित करेंगे पूरा अयोध्या। देखिए डेकोरेशन यहाँ पर किया है, और इन्होंने पहले यहाँ पर लाइनिंग बनाई है, डिज़ाइन बनाए हैं, उसके ऊपर ये लोग दिए लगा रहे हैं, और जब ये दिए जल जाएंगे तो ये कितना सुंदर नज़ारा होगा, एक भव्य नज़ारा होगा अपने में ही, इतना सुंदर ये अयोध्या को बना रहे हैं। सारी छात्राएँ हैं फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, अलग अलग कॉलेज से, अलग अलग राज्य से ये लोग आए हैं, अलग अलग जगह से यहाँ पर छोटी छोटी छात्राएँ हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर भीड़ इतना लगा हुआ है, और सभी लोग काफ़ी उत्साहित है, एक्साइटमेंट इनके अंदर इतनी है। जब मैंने इनसे बात की थी तो सभी लोग काफ़ी खुश थे, एक्साइटेड थे कि हमें मौका मिला कि राम नगरी को अपने हाथों से सजाने का, क्योंकि इनका कहना है हमारे भगवान श्री राम आएंगे, उन्हीं के लिए हम ये पूरा अयोध्या को सजा रहे हैं, हम चाहते हैं कि राम जी खुश हो जाएँ। तो भगवान राम को खुश करने के लिए ये जो छात्राएँ हैं सब लगी हुई हैं, मेहनत कर रही हैं इतनी कड़ी धूप में भी। देख सकते हैं कि कितना दूर दूर तक अगर आप नज़र मारेंगे तो दूर दूर तक लोग नज़र आएंगे आपको। यहाँ पर एक एक जत्था है पूरा स्टूडेंट्स का, जो कि अपना काम कर रहा है दिए लगाने का। उस तरफ अगर आप देखेंगे तो उस तरफ एक छत्ता अलग से है स्टूडेंट्स का, जो अलग अलग जगहों पर दिए लगा रहा है। दूर अगर आप नज़र डालेंगे तो वहाँ पर भी कई सारे लोग आपको नज़र आएंगे। सिक्योरिटी अगर आप देखेंगे, सिक्योरिटी भी काफ़ी है। ये देखिए पूरी लाइटिंग का यहाँ पर इंतज़ाम है, 3D HD लाइट्स यहाँ पर लगाई जाएंगी, जिससे कि भव्य तरीके से इस सुंदरता को और ज़्यादा दर्शाया जा सके। देखिए पिछले साल से काफ़ी अलग बताई जा रही है इस बार की दीपावली और दीपोत्सव, क्योंकि पिछले साल का रिकॉर्ड इस बार टूटने वाला है। जो 7.5 लाख दिए बताए थे पहले, अब वो 9 लाख बढ़ा दिए गए हैं, 9 लाख दिए यहाँ पर लगाए जाएंगे, और 3 लाख पूरे शहर में, यानी कि टोटल 12 लाख दियों से पूरा अयोध्या जगमगाने वाला है। तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो 11 रथ यहाँ पर दिखाए थे झांकी के तौर पर, वो भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से डेकोरेट उनको भी किया गया है। तो देखिए दिखा रही थी मैं आपको, लगातार बता रही हूँ कि कितने लाखों की संख्या में यहाँ पर दिए लाए जा रहे हैं और लगाए जाएंगे 3 नवंबर को। ट्रक में भरकर देखिए दिए कितने लाए गए हैं, 9 लाख दिए मैंने आपको बताए थे, जो यहाँ अयोध्या में राम की पैड़ी पर लगाए जाएंगे। देखिए ये ट्रक के अंदर आप देख सकते हैं,
काफ़ी सारे दिए, ऐसे ही काफ़ी सारे ट्रक यहाँ पर आ रहे हैं जिसमें दिए भर कर लाए जा रहे हैं, और ये यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं दियों का सजाने का, उनको दिए जा रहे हैं, और ये लोग पूरा ये जो अयोध्या है उसको सजा रहे हैं इन दियों से। काफ़ी बड़े बड़े दिए हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में इनको लाया गया है, लाखों की तादाद में है, पिछले साल का रिकॉर्ड यहाँ पर टूटने वाला है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर दिए लाए जा रहे हैं। आज और कल से ही तैयारियाँ शुरू हो गई थी दिए लगाने की, जो प्रचलन है वो कल से शुरू हो गया था। 3 नवंबर तक इनको पूरा करना है अपना ये जो डेकोरेशन। देखिए 3 नवंबर तक इन लोगों को ये जो डेकोरेशन है उसको पूरा करना है। ट्रक में भर भर के दिए यहाँ पर आ रहे हैं, लाखों की तादाद में दिए लेकर आए जा रहे हैं। काफ़ी सारे लोग देख सकते हैं आप मेरे साथ में। तो देखिए जिस तरीके से मैं आपको पूरा यहाँ पर अयोध्या नगरी दिखा रही थी, जिस तरीके से राम जन्मभूमि सजाया हुआ है, दीपोत्सव का महोत्सव यहाँ पर हो रहा है, रामलला आएंगे, दिवाली मनाई जाएगी, पूरा ग्रैंड तरीके से सजावट हो रही है। काफ़ी दूर दूर से छात्र छात्राएं आए हुए हैं, भव्य तरीके से इसको सजाया जा रहा है, बहुत ही सुंदर ये लगने वाला है। रात में आप देखेंगे तो काफ़ी सारे लाइट्स यहाँ पर जगमगाते हुए आपको नज़र आएंगे। 3 नवंबर को हम यहाँ पर फिर से आएंगे और आपको दिखाएंगे, मोदी जी भी आएंगे यहाँ पर, सब चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। जो 9 लाख दिए यहाँ बता रहे हैं कि 9 लाख दियों से पूरा भव्य तरीके से अयोध्या को सजाया जाएगा, तो वो हम भी हम आपको दिखाएंगे आकर, और दिखाएंगे कितने सुंदर तरीके से इस अयोध्या को सजाया गया है।